हेलो दोस्तों, मैं संदीप, आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं दोस्तों इसका दूसरा पार्ट, यानी हिंदी साहित्य और कुछ हिंदी के क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये आपके जो TGT PGT के जो एग्जाम लगे हैं उसका समझ सकते हैं, ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, मॉडल पेपर है, ठीक है। तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे बिल्कुल अच्छे से, अगर आप TGT PGT तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, हिंदी साहित्य क्वेश्चन होंगे और हिंदी के भी क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका समय भी कम व्यतीत हो दोस्तों। और आपको बता दें, इसका पहला पार्ट भी हमने बनाया है दोस्तों, ठीक है। अगर उसे आपने देखा तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, वहां पर TGT PGT के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। और दोस्तों, हमने जो हिंदी साहित्य के इतिहास की एक संपूर्ण मैराथन बनाई थी, उसे भी अगर आप देखने चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहीं पर मिल जाएगी, या फिर उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि अगर आपको PDF चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों। पहले से इसमें लगभग 2500 लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत सारी PDF उसमें पहले से भी मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मॉडल पेपर। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है कि बलदेव खटीक किसकी कविता है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बलदेव खटीक किसकी कविता है दोस्तों। तो आपको बताना है किसकी है, धूमिल जी की है, या फिर लीलाधर जगुड़ी की है, या फिर बलदेव वंशी की है, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन अगर आपने चुना है बी नंबर, लीलाधर जगुड़ी, तो बिल्कुल जुगड़ी, तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन आपका है। चलिए अगला है, नौकर की कमीज के लेखक है दोस्तों। नौकर की कमीज के लेखक कौन है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है कि नौकर की कमीज के लेखक कौन है। असगर वजाहत है दोस्तों, या फिर बिना विनोद कुमार शुक्ल है, या फिर भगवान दास मोरवाल है, या मृदुला गर्ग जी हैं दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन अगर आपने चुना है बी नंबर, विनोद कुमार शुक्ल, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संदर्भ के लेखक कौन है दोस्तों। संदर्भ के लेखक कौन है, डॉक्टर विनय, या फिर दूधनाथ सिंह, या श्री राम वर्मा, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आपको बताते कौन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डॉक्टर विनय जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि मोची राम तथा पटकथा के लेखक कौन है। तो आपको बताना है कौन है, चंद्रकांत देवताले, या फिर धूमिल जी, या बलदेव वंशी, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो कौन हो जाएंगे, तो आपको बता दे कौन है, सुदामा पांडे धूमिल जी दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि समाधि लेख के लेखक कौन है, किसके दोस्तों। तो समाधि लेख के लेखक कौन है, श्रीकांत वर्मा, या फिर श्री राम वर्मा, या फिर दूधनाथ सिंह, या इनमें से कोई नहीं मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन अगर आपने बी चुना है, श्रीकांत वर्मा, तो राइट आंसर है आपका, ठीक है। चलिए अगला है कि शेखर जोशी की रचना है, शेखर जोशी की रचना कौन सी है निम्नलिखित में से, मकान, हत्यारे, कोसी का घटवार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपने सी ऑप्शन सुना है तो बिल्कुल राइट है, कोसी का घटवार दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला है, प्रयाग रामागमन दोस्तों के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट, या फिर प्रताप नारायण मिश्र, या प्रेम घन दोस्तों, बद्री नारायण प्रेम घन दोस्तों, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा दोस्तों हमारे सातवें का, बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा, बद्री नारायण प्रेम घन, यानी हमारा सी ऑप्शंस बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मधुमालती के रचनाकार कौन है दोस्तों। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन किसकी है दोस्तों मधुमालती, तो आपको बता दें, आपको पता भी होगा, मंझन की है मधुमालती। क्या, मंझन की है मधुमालती दोस्तों। मुल्ला दाऊद आपने सुना होगा, रानी केतकी की कहानी दोस्तों, ठीक है, झांसी के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां नंबर देखते हैं। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन आ गया कि सहजयान के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, सहजयान शाखा के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, सरहपा, सब्रपा, लुईपा, या फिर कंडपा। दोस्तों आपको बता दें कि ये सब हैं क्या दोस्तों, ये नाम किसके हैं, तो सिद्धों के नाम है। आपको पता है कि टोटल कितने सिद्ध हुए, तो 84 सिद्ध हुए थे। क्या दोस्तों, 84 सिद्ध हुए थे, जिसमें सबसे प्रथम कौन थे, सरहपा थे दोस्तों। तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा। और दोस्तों एक चीज इनसे याद रखना, अगर सरहपा की बात आ गई दोस्तों, इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। क्या, हिंदी का प्रथम कवि किसको कहते हैं, सरहपा को
कहते हैं। तो आपसे हम एक क्वेश्चन करके छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, ये अगर आपको पता था आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला है, आत्मजयी के लेखक कौन है दोस्तों, कुमार नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आत्मजयी के लेखक कौन है दोस्तों, तो कुमार नारायण हो जाएंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं, ठंडा लोहा किसकी रचना है दोस्तों, गिरिजा कुमार माथुर या फिर धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार या फिर जैनेन्द्र कुमार दोस्तों। तो आपको बता दें कि ठंडा लोहा दोस्तों, आपको पता होगा सूरज का सातवां घोड़ा, कर्ण प्रिया, ठंडा लोहा, ये सब किसकी हैं, तो धर्मवीर भारती जी की दोस्तों। तो ठीक, बिल्कुल सही आंसर का धर्मवीर भारती। अगला है किसान के रचनाकार कौन से दोस्तों, किसान किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिऔध या फिर प्रसाद मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन अगर आपने चुना है, मैथिली शरण गुप्त दोस्तों, साकेत भी इन्हीं की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। तो ये भी चीजें आप याद रखेंगे, और मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों क्या बोलते हैं वो आपको पता होगा दोस्तों, राष्ट्रीय कवि ना। तो दोस्तों ये चीजें देखिए, इनके नाम भी आपको, इनके जो उपनेम है दोस्तों उनको भी आपको याद करते चलना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है शिव साधना नाटक है दोस्तों, किसका है, प्रसाद का, हरिकृष्ण का या फिर सेठ गोविंददास का या फिर उदय शंकर भट्ट का दोस्तों। तो शिवा साधना दोस्तों किसकी रचना है आपको बताना है इसका, तो दोस्तों आपको बता दें किसकी है, हरिकृष्ण प्रेमी की है दोस्तों, इनका निकनेम क्या है, प्रेमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनमेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, पंत, निराला, प्रसाद या फिर हरिऔध मेरे दोस्तों। तो किसकी है, जयशंकर प्रसाद का है, जनमेजय का नाग यज्ञ दोस्तों। अगला है गोदान उपन्यास है दोस्तों, कैसी, देखिए गोदान है किसकी, सबसे पहली चीज तो ये पता होना चाहिए किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की दोस्तों। तो ये कैसी रचना है दोस्तों, आपको बता दें यथार्थवादी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैराग्य संधि पनी के रचनाकार कौन है दोस्तों, सूरदास, रहीमदास, तुलसीदास या फिर नंददास मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शंस क्या हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने दोस्तों रामचरितमानस का भी अनुवाद किया था, मतलब रामायण का अनुवाद रामचरित मानस में किया था। चलिए अगला है अपराजिता दोस्तों, इसके लेखक कौन है, नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर या फिर चतुर्वेदी जी दोस्तों। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, अंचल इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, सागर मुद्रा के लेखक कौन है, मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती या फिर गिरिजा कुमार माथुर मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा 18 का बी नंबर, ठीक है, अज्ञेय जी। चलिए अगला है उदय भान चरित के लेखक कौन है दोस्तों, उदय भान चरित के लेखक कौन है, लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा शुक्लाल या फिर इंसा अल्लाह खां मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शंस कौन हो जाएगा, इंसा अल्लाह खां दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है आधा गांव किसकी उपन्यास दोस्तों, आधा गांव किसकी है, कृष्णा सोबती, देखिए कृष्णा सोबती या रेणु फणीश्वरनाथ रेणु या फिर राही मासूम रजा या फिर भगवती शरण वर्मा की मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही 20 का ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा दोस्तों, 20 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राही मासूम राजा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अमन का राग के लेखक कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह जिन्हें कवियों का कवि कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, ठीक है, और यह इनमें से कोई नहीं दोस्तों। 21 का बिल्कुल सही ऑप्शन कहा जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है दोस्तों, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद दोस्तों। तो कौन है दोस्तों प्रथम गद्यकार कौन है दोस्तों, किसे मानते हैं, तो लल्लू लाल जी को मानते हैं, ठीक है, प्रेम सागर लल्लू लाल, ठीक है। कलाधर नाम से कविता कौन लिखते हैं दोस्तों, कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखते हैं, जयशंकर प्रसाद, भगवती शरण वर्मा या फिर मैथिली शरण गुप्त या फिर माखन लाल चतुर्वेदी दोस्तों, कौन लिखते हैं दोस्तों इसके बारे में आपको बताना है। तो 23 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी को झारखंडी या फिर कलाधर नाम से जाना जाता है, ठीक है, आपको पता भी होगा। चलिए अगला है रूपाण के संपादक कौन है दोस्तों, तो रूपाण जो पत्रिका दोस्तों इसके संपादक कौन है, तो कौन हो जाए दोस्तों, पंत, प्रसाद, निराला, हरिऔध, तो कौन दोस्तों हैं, पंत जी, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का परंपरा का सूत्रपात किसने किया दोस्तों। तो हम कई बार दोस्तों बता चुके हैं और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो किसने किया है, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा तत्तासी या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर दोस्तों मिश्र बंधु। तो आपको बता दें कि सबसे पहले ये प्रयास किसने किया था, गार्सा तत्तासी दोस्तों। ये फ्रेंच विद्वान है दोस्तों, फ्रेंच भाषा में यानी फ्रांसीसी भाषा में इन्होंने लिखा, फ्रांस की भाषा में इन्होंने इसका इसको लिखा है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे। और दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन है, इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को का काल विभाजन किया था, 11 भागों में इन्होंने बांटा था, तो ये भी याद रखेंगे। इसका सही आंसर की बात करते हैं, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गार्सा तत्तासी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है दोस्तों। माटी की मूर्तें क्या है, संस्मरण है, रेखा चित्र, जीवनी है या फिर आत्मकथा है दोस्तों। आपको बता दें किसकी है, संस्मरण है दोस्तों, बेनीपुरी की, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 27 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, संवाद, कौमुदी, दिग्दर्शन, उदंत मार्तंड या फिर बंगदूत। मेरे दोस्तों देखिए ये तो एकदम इजी क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, उदंत मार्तंड है दोस्तों। आपको बता दें कि उदंत मार्तंड दोस्तों हिंदी का पहला समाचार पत्र, अगर ऐसे पूछ ले पहला समाचार पत्र कौन सा है तो बंगाल गजट है दोस्तों, जिसको हिक्की गजट के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 27 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है दोस्तों। तो किसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शंस क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 का बिल्कुल सही ऑप्शंस क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु दोस्तों। परीक्षा गुरु आपको पता है यही आपकी पहली उपन्यास भी मानी जाती है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है दोस्तों। और इसके लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा दोस्तों लिखा गया है, ठीक है। और यह क्वेश्चन कई बार यूपी टेट के परीक्षाओं में पूछा भी गया। अगला है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार है दोस्तों। तो फारसी भाषा में किसने लिख दिया दोस्तों, ठीक है, बिहारी सतसई पर दोस्तों। तो कौन है, फिराक गोरखपुरी या फिर आनंदीलाल शर्मा या अमीर खुसरो या फिर मिर्जा गालिब दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आनंदीलाल शर्मा जी ने लिखा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है, जीवन वृत्त है, कहानी कथा है, आत्मकथा या फिर निबंध है मेरे दोस्तों। तो क्या है ये, जीवन वृत्त है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसको सौंपा दोस्तों। कई लोग इसमें इंक्लूड दोस्तों, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद कौन आया, तो गया प्रसाद शुक्ल या पंडित गौरी दत्त या जगदम्बा प्रसाद मिश्र या फिर पंडित देवी दत्त शुक्ला जी मेरे दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, किसको सौंपे गए थे ये, तो पंडित देवी दत्त शुक्ल जी को दोस्तों सौंप के गए थे। चलिए अगला है कि केशव कही न जाई न कहियो, ठीक, केशव कही न जाई न जाई कि कहियो दोस्तों। ये कथन किसका है, कहां से लिया गया दोस्तों, ये तो किस रचना से लिया गया, सूरसागर, सूरसारावली या फिर कृष्ण गीतावली या फिर विनय पत्रिका मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये विनय पत्रिका से लिया गया दोस्तों। विनय पत्रिका किसकी रचना है दोस्तों, तो तुलसीदास जी की है। चलिए अगला है, कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है दोस्तों, आपको पता होगा सुदामा पांडे धूमिल के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी नंबर, ठीक है, एकदम आसान भी है, इजी भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है दोस्तों, ललित निबंधकार कौन नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ या फिर विद्यानिवास मिश्र जी मेरे दोस्तों। तो कौन नहीं है, तो रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है। अगला है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई दोस्तों। तीसरी कसम जो फिल्म है दोस्तों, उर्फ मारे गए गुलफाम दोस्तों, ठीक है, याद होगा हमने कई बार बताया, क्या दोस्तों, कई बार बताया, जिसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं। तो दोस्तों कौन है, प्रेमचंद्र, फणीश्वरनाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर जयनंद कुमार दोस्तों। आपको बता दें ये किसकी है दोस्तों, तो 35 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, बी, फणीश्वरनाथ रेणु दोस्तों, जिन्हें धरती का धन भी कहा जाता है। और दोस्तों ये आंचलिक कथाओं के, आंचलिक उपन्यास के जनक भी है दोस्तों, ये याद रखना कि आंचलिक उपन्यास के जनक कौन है, तो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है दोस्तों। बामन दास किसका है दोस्तों, गोदान, प्रति परिकथा, मैला आंचल और फिर बलचना।
समा दोस्तों। तो किसका है मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन 36 का हो जाएगा, मैला आंचल दोस्तों। ये फणीश्वर नाथ रेणु की ही है जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या आंचलिक कथा है दोस्तों, पहले आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल जिसे फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया। चलिए अगला है, क्या भूलू क्या याद करूं किसकी आत्मकथा दोस्तों, तो ये आपको बता दें किसकी, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा दोस्तों। और आपको बता दें इन्होंने चार आत्मकथाएं लिखी थी है ना, जैसे नीर का निर्माण और 10 दर्श सोपान तक, क्या भूलू क्या याद करूं दोस्तों, तो इन्हीं के लिए इन्हें प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 ईस्वी में दिया गया था। किसके द्वारा दिया था सरस्वती सम्मान, तो दोस्तों के बिरला फाउंडेशन जी द्वारा दिया जाता दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों, तो आपको बता दें किस कृति के लिए मिला है, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी या फिर हुंकार दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है, बाण भट्ट की आत्मकथा है दोस्तों क्या है, एक नाटक है, एक आत्मकथा है, एक जीवनी या फिर एक उपन्यास है मेरे दोस्तों, तो क्या होगा ये दोस्तों, क्या है, एक उपन्यास है। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला है, कवि वचन सुधा थी क्या थी, एक प्रतियोगिता, एक कविता प्रतियोगिता, एक पत्रिका या एक नाटक प्रतियोगिता या एक साहित्यिक संस्था मेरे दोस्तों, तो आपको पता होगा क्या है, एक पत्रिका है दोस्तों जिसपे सभी चीजें छापा करती थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था कब, 1900 ईस्वी से या फिर दोस्तों 1901, 1903, 1914 मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, 1903 मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 1903 दोस्तों। चलिए अब इसको क्या करना है, आपको मिलाना है, क्या दोस्तों, आपको इसको मिलाना है, ये कूट शब्दों को अच्छे से मिलाना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आप समझते हैं दोस्तों तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, समझिएगा, आधे अधूरे जो है दोस्तों ये किसकी है, मोहन राकेश की है दोस्तों, संस्कृत के चार अध्याय किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको मिलाएंगे, और दोस्तों ये जो आपकी शेखर अधूरी है दोस्तों ये अज्ञे जी की है, ठीक है। तो ये दोस्तों अब बचा बाण भट्ट की दोस्तों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है दोस्तों, एक देख सकते हैं आपका वन का ए आ गया, ठीक है। संस्कृत के चार अध्याय दोस्तों ये किसका है, दिनकर जी की है, ठीक है, और आधे अधूरे मोहन की है, और ये दोस्तों ए होगा। तो आप देख सकते हैं ए का 4 और बी का 1, ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1 दोस्तों, ये आप कौन सा नंबर, 42 नंबर है दोस्तों, ए का 4 और बी का 1 दोस्तों, ये कहीं दिख रहा हमें, तो ए का 4 बी का 1 दोस्तों, हमें चौथा ऑप्शन दिख रहा हमारा है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप सही से एक बार पुश करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन थी, ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं या फिर बड़े घर की बेटी मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा, कफन इनकी क्या थी, अंतिम कहानी थी दोस्तों, वैसे भी मरने के बाद कफन में ही जाया था दोस्तों, इस तरह याद कर लेना, ठीक है। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं दोस्तों, किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे, इनको उर्वशी के लिए दिया गया दोस्तों, ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी को नहीं दिया गया। चलिए अगला है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था दोस्तों, किसकी प्रेमिका का नाम सुजान था दोस्तों, उन्होंने सुजान के नाम से कई सारी वो रचनाएं लिख दी थी दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा घनानंद, क्या दोस्तों हमारा 45 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था, सुजान था। अगला है, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर पड़ा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर मन्नन द्विवेदी दोस्तों, किसके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था मेरे दोस्तों, तो 46 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी दोस्तों। ये हमें कहते हो बहुत फक्र हो रहा है कि ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं ये हमारे रायबरेली के ही हैं दोस्तों, ठीक है, कहाँ के थे, तो ये हमारे रायबरेली के ही थे दोस्तों, इनका बहुत ही ज़्यादा दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम इनका लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन है दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन दोस्तों, क्वेश्चन वही है, केवल इसको हल्का सा चेंज कर दिया गया, अभी आपने पढ़ा था ऊपर क्या गारसा तत्तासी ने सबसे पहले लिखने का प्रयास किया था दोस्तों, किसमें, फ्रेंच भाषा में लिखा, फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है दोस्तों, विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक, या फिर सन 1050 से 1375 तक, या विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, या इनमें से कोई नहीं मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन कर जाएगा 48 का ए नंबर, विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी को
ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शंस दोस्तों क्या होगा 49 का दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शंस का होगा सरयपाद दोस्तों, स्वयंभू या फिर राजा भोज, राजा भुंज दोस्तों, या फिर पुष्यदंत दोस्तों। तो किसको? राजा भुंज को ना। चलिए अगला कुछ एक चीज और बता दें कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने एक रचना लिखी उसने कहा दोस्तों, वो फ्लैशबैक पर आधारित पहला उपन्यास था। ठीक है, तो फ्लैशबैक पर आधारित पहला उपन्यास कौन सा उसने कहा था, ये रचना इनकी है और कई बार पूछी भी गई दोस्तों, आपके वीडियो में पूछा गया था पिछली बार, जो वीडियो पेपर कैंसिल हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या है? नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ हुई दोस्तों? तो नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आधारित मतलब शुरुआत हुई दोस्तों? तो आपको बता दें लक्ष्मीपुरा। क्वेश्चन आ सकता है कि पहला रिपोर्ताज कौन सा है, पहला रिपोर्ताज क्या है हिंदी का, प्रथम रिपोर्ताज कौन सा, तो लक्ष्मीपुरा ही बता देंगे, शिवदान सिंह चौहान की। ठीक, इसकी है शिवदान सिंह चौहान की दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जानते हैं दोस्तों? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो आला आज आप लोग कहते हैं दोस्तों, तो वो आला एक पार्ट है दोस्तों, किसी खंड का दोस्तों एक पार्ट है। चलिए ऑप्शन देते हैं आपको दोस्तों, किसका है, चंद्र बरदाई द्वारा रचित जो पृथ्वीराज रासो है, या फिर नरपत नाल दोस्तों बीसल देव है, या फिर जगनी का परमाल रासो, या फिर दलपत विजय का खुमान रासो दोस्तों। आपको बता दें कौन सी है, जगनिक की है दोस्तों। क्या? जगनिक की है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा माफी चाहते, थोड़ा सा हिल गया था। ठीक है, तो किसकी है दोस्तों? हमारा सी ऑप्शन जाएगा जगनिक की है दोस्तों, जिसको आला खंड कहते हैं ना, आला कहते हैं, वो जगनिक का ही, जगनिक द्वारा लिखा गया परमाल रासो का ही भाग है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? चलिए यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो गई दोस्तों, थोड़े से हिंदी के क्वेश्चन भी देख लेंगे बीच बीच में। बताइए गूंगे का गुड़ मतलब क्या होता है? बहुत मीठा, भूख लगना, या बात बिगड़ना, या फिर अव्यक्त अनुभव मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि कौन है दोस्तों? जो अष्टछाप के अंदर नहीं पढ़ते, अष्टछाप के अंतर्गत 5-8 कवि थे दोस्तों। ठीक है, 8 कवियों के नाम थे अष्टछाप के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से कौन है? कुंभन दास, नंददास, परमानंद दास, या फिर सुंदर दास? तो आप बता दें सुंदर दास इसके नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा दोस्तों? साकेत, कामायनी, रामचरितमानस, या फिर प्रीप्रवास दोस्तों। तो आपको बता दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बार बार हम बता चुके हैं प्रीप्रवास दोस्तों। किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है दोस्तों प्रीप्रवास। तो इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस काव्य कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ दोस्तों? तो आपको बता दें किस पर मिला है दोस्तों, तो आपको बता दें बिल्कुल अच्छे से याद रखना, कितनी नावों में कितनी बार के लिए दोस्तों, कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय जी को मिला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? कबीर, सूरदास, तुलसी, या फिर जायसी मेरे दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा जायसी ने दोस्तों, केवल और केवल अवधि में ही रचनाएं की दोस्तों। ठीक है, देखिए कबीरदास की साधुकरी थी। ठीक है, सूरदास दोस्तों ब्रज और अवधि दोनों में कर देते थे, तुलसीदास भी दोनों भाषा में लिखते थे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों। चलिए अगला है कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो आपको बता दें कौन माने जाते हैं, तो सरयपाद, जिसको सरयपा भी बोलते हैं, सरोज बज्र भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और विद्यापति के बारे में बात करें दोस्तों, विद्यापति कौन है? तो आपको बता दें दोस्तों ये प्रथम गीतकार माने जाते हैं विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो अमीर खुसरो है दोस्तों, और इसीलिए इनको खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। क्या बोलते हैं? खड़ी बोली का जनक, तोता ए हिंद भी कहा जाता है, और हिंदुस्तान का तोता भी कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 69 नंबर क्या है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता दोस्तों? देखिए जहां पर संभावना प्रकट कर दी जाए, यानी मनुमानो जनु जानो दोस्तों, तो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार, मनुमानो जनु जानो दोस्तों। और जहां पे तुलना की जाती है वहां पर क्या होता है? उपमा। और जहां पे रूप ही दे दिया जाता उसको, वो रूपक होता दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगला है कि प्रत्येक में चार शब्द दिए गए हैं, जिनमें से तीन अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं, जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता वो ही आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। तो चलिए देखिए इसमें से तीन क्या है दोस्तों, बिल्कुल एक ही चीज है, समानार्थी शब्द है। तो देखिए इंद्र, सिंह, ब्राह्मण और सूर्य मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाए, कौन सा क्या है भिन्न है? तो सूर्य क्या है? एक
भिन्न है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है। इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है, नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही वाला एक है वही चुनना है आपको। तो देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं अपने। चलिए देखिए, जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, ऐसा थोड़ी ना होता, ये तो गलत है ना। जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, तुम तो यूज ही नहीं होगा। जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, बिल्कुल गलत है। देखिए, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 61 का बिल्कुल सही। चलिए अगला है 62 नंबर, आहा आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द है दोस्तों, तो आपको बता दे आहा क्या है, आपको भी पता होगा ये विस्मयादि बोधक है। क्या है दोस्तों? विस्मयादि बोधक का चिन्ह है दोस्तों। और बता दें कि इसमें विस्मयादि बोधक ऑप्शन में नहीं है, यानी कि विस्मयादि बोधक किसमें आता है, अव्यय में आ जाता, तो अव्यय में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला है सरसी छंद होता है दोस्तों। सरसी छंद में क्या होता है ये आपको बिल्कुल अच्छे से बताना दोस्तों। तो आपको बता दें जो सरसी छंद होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, तो दोस्तों उसमें 27 मात्राएं होती है। क्या होता है? 27 मात्राएं होती है जिसमें 16 और 11 पर्यति होती है, अंत में गुरु और लघु का जोड़ा होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद या फिर आचार्य नरेंद्र देव, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो कौन हो जाएगा? तो आपको बता दे दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भूतकाल के कितने भेद है दोस्तों? तो भूतकाल के कितने भेद हैं, 7, 6, 9 या फिर 4 मेरे दोस्तों? तो आपको बता दे इसके 6 भेद है दोस्तों। देखिए, ये भूतकाल के 6 भेद हैं और भविष्य काल के पूछता तो 3 ही भेद है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे, हमने पढ़ा भी दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है दोस्तों? तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है दोस्तों। तो देखिए, घर से क्या है, थोड़ा दूर जाने की बात कर रहा है कि घर से दूर है, तो यानी अपादान हो जाएगा दोस्तों। अलगाव की बात की जा रही है, आपके घर से कितना दूर है दोस्तों, अलग है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाला वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण किसमें, जो क्रिया की विशेषता को बतलाता वही क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है दोस्तों। देखिए, कल मैं कल नहीं आऊंगा दोस्तों, इसमें कोई भी क्रिया नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं, जाऊंगा का कोई विशेषता नहीं बतला रहा है, फूल बहुत सुंदर दोस्तों है का कोई विशेषता नहीं है। देखिए, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, देखिए घर पहुंचने की विशेषता क्या है कि रोते रोते गया दोस्तों। तो यहां पर हमें क्रिया विशेषण बिल्कुल अच्छे से लग रहा है, हमारा सी ऑप्शन सी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। चलिए अगला है, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम को चुनिए मेरे दोस्तों। देखिए, ये है पूरा का पूरा दोस्तों, इसको आपको बनाना है कि इसको सही ढंग से आपको बिठाना है कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको आपको सही ढंग से बिठाना है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। देखिए, अगर हम पहला शुरू करते हैं 3 से, देखिए शुरू से ही क्या, शुरू से ही, फिर उसके बाद देखिए पहले पे हो गया, फिर दूसरे पे आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, दूसरा ये हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं अन्याय के बिना हिंसक विरोध के दोस्तों, तीसरे पे आ जाएगा। फिर दोस्तों भारतीय चौथे पे आ गया, ठीक है, भारतीय चौथे पे आ गया दोस्तों। और फिर क्या, सहते दोस्तों पांचवे पे आ गया सहते, और छठे पे क्या हो गया, चले आए हैं दोस्तों। देखिए एक बार दोबारा देखते हैं कि शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को भारतीय बिना हिंसक विरोध के, बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शंस, मतलब बहुत अच्छे से बैठ गया, इसका ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले तीसरे को लगाया, फिर चौथे को लगाया, फिर दूसरे को, फिर पहले को, फिर चौथे को दोस्तों, फिर पांचवे को, सॉरी ये चौथे और छठे का दोस्तों। तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? कवि इत्री होता है दोस्तों। क्या होता है? कव इत्री, कव इत्री नहीं होता दोस्तों, ये वाला बिल्कुल गलत होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कव इत्री दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 70 का हमारा। देखिए, सरोज है बिल्कुल, है ना, पंकज भी है और जलजात भी है, जलद नहीं है दोस्तों। जलद किसका होता है? बादल को, जल देने वाला। ठीक है, अगला है कि तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है दोस्तों, किसके लिए होता है? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करने के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, चुका है के अर्थ में, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो किसके अर्थ में होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चाहिए के अर्थ में दोस्तों। चलिए अगला है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? तो आपको बता दें, उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों। ठीक है,
चलिए, नीलोत्पल में समास कौन सा होगा दोस्तों? तो नीला है उत्पल दोस्तों, नीला उत्पल दोस्तों। क्या हो रहा है यहां पर? विशेषण विशेष सॉरी आपको बता दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? आपका कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा दोस्तों? 73 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला है कि आ और आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोस्तों ए हो जाए, वो संधि कौन सी कहलाती है दोस्तों? तो कौन सी संधि कहलाती है ये आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है दोस्तों। तो क्या हो जाए? गुण संधि। देखिए आ और ई के बाद ए हो जाए, जैसे रम। देखिए आ या बड़े आ के बाद, देखिए हम देखिए बताते हैं। देखिए रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस बराबर रमेश हो गया दोस्तों। देखिए आ बड़ा आ और बड़ी ई के बाद ए हो गया दोस्तों। इसी तरह से क्या होता है, वो गुण संधि का उदाहरण होता है। चलिए 75 नंबर का है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। अगर राष्ट्र की हम भाववाचक संज्ञा बनाना चाहें दोस्तों तो क्या बनेगा दोस्तों? तो राष्ट्रीयता बन जाएगा। चलिए अगला है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया था दोस्तों? कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में करते दोस्तों? तो संबंधवाचक में बिल्कुल नहीं करते, निश्चयवाचक में बिल्कुल नहीं करते, निजवाचक में बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अनिश्चयवाचक में जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे? कुछ ले आओ। कुछ क्या ले आओ दोस्तों? निश्चित नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है कि तृण मतलब क्या होता है दोस्तों? तृण का सही क्या होगा दोस्तों? तुच्छ, अल्प या फिर घास पत्ता, तिनका घास या फिर लता द्रुम दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? 77 का तिनका या घास दोस्तों। अगला है कि शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? यानी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है मेरे दोस्तों? यानी या फिर सूची या फिर शुष्क मेरे दोस्तों। तो 78 का बिल्कुल सही यानी यानी नहीं होगा, यानी होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों इसमें सही युग्म सही सुमेलित है दोस्तों। ओझा उपाध्याय बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल सही युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों, बताना। तो ओझा को उपाध्याय कहते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। कपास का दोस्तों करपट नहीं होता दोस्तों, करपट बिल्कुल नहीं। केला कदली और पसीना का प्रश्न बोलते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही। तो हमारा बी ऑप्शन जो है यही गलत दोस्तों, तो यही हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 80 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है दोस्तों? उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगता है दोस्तों। क्या है? जो पहले लगता है दोस्तों। देखिए लालिमा में ईमा दोस्तों प्रत्यय लगा है, दशक में कुछ नहीं दोस्तों, धना और गारीगर में नहीं है दोस्तों, पराजय में जय के साथ में पहले क्या लिखा है? परा। देखिए जय एक शब्द है, परा क्या है? उपसर्ग दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी होगा, परा। अगला है मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा दोस्तों? मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? तो मत्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में कर्मवाच्य का उदाहरण है? सीता से पढ़ा नहीं जाता, या फिर सीता से हंसा भी नहीं जाता, या सीता से चला भी नहीं जाता, या फिर सीता से हिला भी नहीं जाता दोस्तों। कर्मवाच्य कौन सा होगा? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? सीता से पढ़ा भी नहीं जाता दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? जो पहले कभी ना हुआ हो दोस्तों, जो पहले कभी ना हुआ हो दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? जो पहले कभी ना हो दोस्तों क्या होगा? अभूतपूर्व होता है। देखिए भूतपूर्व क्या होता है दोस्तों? देखिए भूतपूर्व का जो पहले हुआ, जैसे प्रधान के चुनाव हो तो कहते हैं भूतपूर्व प्रधान, यानी वो पहले हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या? अभूतपूर्व, जो पहले कभी हुआ ही ना हो दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त तो शब्द चुनिए। देखिए स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए थे दोस्तों, तो क्या इसमें सही ढंग से क्या भरा जाएगा? तो आपको बता दें, देखिए कई बार आमरण अनशन आमिष होगा, जो मरते दम तक, मतलब एकदम से दोस्तों जब तक मर रहा तब तक न उठो दोस्तों, तो वो चीजें होती आमरण अनशन। ठीक है, चलिए अगला है, काला काला घोड़ा तेज दौड़ता है दोस्तों, क्रिया विशेषण होगा दोस्तों। काला घोड़ा तेज दौड़ता, देखिए दौड़ने की तो प्रक्रिया क्या है? देखिए दौड़ना क्या है? क्रिया दोस्तों। तो इसकी विशेषता क्या है? दौड़ तो रहा मगर कैसे दौड़ रहा दोस्तों? तो तेज दौड़ रहा। तेज क्या है दोस्तों? ये क्रिया की विशेषता बताने की कोशिश कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? 80 नंबर हो जाएगा हमारा। तेज क्या है? क्रिया विशेषण। अगला है, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक मतलब क्या? जो एकदम म्यूट हो जाए दोस्तों, जो बोलता ही ना हो, तो क्या हो जाएगा? मूक का वाचाल, जो सबसे ज्यादा बोलता, बहुत बोलता वाचाल दोस्तों। मूक हो वाचाल पंग, हमने सुना होगा, चढ़े गिर वर्ग है ना दोस्तों, तो वही शब्द इसमें दोहरा दिया गया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा वाचा। अगला है कि सुख दुख के बीच में लगने वाला चिन्ह कौन सा दोस्तों? इसको आप क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह दोस्तों। इस और सुख दुख में पूर्ण कौन समास है? तो द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। हम ऑप्शन दिखाते हैं आपको दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है दोस्तों? प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है दोस्तों? आपको बता दें, ये युग्मक ध्वनियां होती है दोस्तों। देखिए जहां पे दोनों ना हो जाए दोस्तों, एक ही सेम ही होता है दोस्तों, उनको युग्मक या फिर द्वित ध्वनियां भी कहते हैं दोस्तों। जैसे दिल्ली में द्वित हो जाए दोस्तों, डबल लाए हैं, उसी प्रकार से
प्रसन्नता में दो ना आए दोस्तों, ये क्या होती है, युग्मक ध्वनियां होती है। ठीक है, संपर्क क्या होता है, जो एक दूसरे को बांध, जैसे कंबल लिखा गया कंबल, समझिएगा ये चीजें समझिए, तो एक दूसरे को ये देखिए ये माँ क्या कर रहा है, का और बा को बांध रहा है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए युग्मक में, ठीक है समझिएगा, संपर्क में युग्मक में दोस्तों समझिएगा, युग्मक में क्या होता है दोस्तों, दोनों सेम ही होते हैं, सेम अक्षर होंगे तो युग्मक होंगे, अगर कोई शब्द दोस्तों एक अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे हमने कह दिया दोस्तों, क्या कह दिया कि दिव्य, दिव्य दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों दोनों क्या है, ये आधा है, इसके साथ में स्वर रहित है, स्वर सहित है, मगर ये दोनों दोनों अलग है तो संयुक्त हो जाएगा दोस्तों। युग्मक में क्या होता है, एकदम सेम ही होते हैं। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, योगदान में कौन सा समास है दोस्तों, योगदान में कौन सा समास है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा, योगदान, तो क्या हो जाएगा हमारा, तत्पुरुष हो जाएगा, तो योग के लिए दान करना। ठीक है, चलिए अगला है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, आपको बता दें कि उत प्लस श्वास दोस्तों, छा जो है वो ता में टूट जाएगा दोस्तों, चा किसमें ता में टूटेगा और छा किसमें सा, सरोता में टूट, सीटी वाले सा में टूट जाएगा, तो उत प्लस श्वास हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, स्वार्थी, परमार्थी, या फिर स्वार्थी, या फिर मतलबी दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन, अगर आपने स्वार्थी चुना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो हर समय अपना मतलब साधता उसको क्या बोलते हैं, स्वार्थी बोलते हैं। है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, तो बहिर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है दोस्तों, देखिए वाक्य रचना के आधार पे दो होते हैं, तीन होते हैं दोस्तों, सरल, संयुक्त और मिश्र दोस्तों, तो मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। देखिए, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता है, बिल्कुल है दोस्तों। अब देखिए, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी दोस्तों, ये संयुक्त वाक्य, ये आपका मिश्रित वाक्य नहीं दोस्तों, हमने पहचान लिया, तो 93 का बी नंबर क्या है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, अगला क्या है कि साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है दोस्तों, ये उक्त किसकी, ये किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद नगेंद्र, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन कहा जाएगा आपका, रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए अगला है कि मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है दोस्तों, तो मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा इसका, भारतेंदु युग, छायावाद युग, या फिर द्विवेदी युग, या फिर छायावादोत्तर युग दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग। चलिए अगला है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेल कीजिए, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा दोस्तों, किसकी है, हम राज्य के लिए मरते हैं, या ये उपमान बैलों का मैलो हो गए, ठीक है उपमान मैले हो गए, या बतरत लालत लाल की मुरली धरी लुकाए दोस्तों। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, और इसमें अगर सही से मिलाते दोस्तों, देखिए एक बार आप मिला लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा स्क्रीन छोटी होती है दोस्तों, इसलिए इसमें क्या होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसका सही आंसर हम बताना चाहें दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, ए का 4 से मिला देना, और दोस्तों और बी का 3rd से, और सी का ए से, और चौथे को दूसरे से मिला देना दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या है कि 97 से 98 से आपको क्या चुनना है, विलोम शब्द चुनना, कृतज्ञ का क्या होता है दोस्तों, जो कृतज्ञ हो दोस्तों उसका क्या होगा, ठीक है विलोम शब्द चुनना है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाला। संकीर्ण का क्या होता है दोस्तों, संकीर्ण का क्या होगा, संकीर्ण मतलब छोटी बुद्धि, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विकीर्ण हो जाएगा, ठीक फैली हुई बुद्धि है ना, फैली सोच वाला। चलिए अगला, 99 तक आपको पर्यावाची, मृगधर दोस्तों, मृग को धारण करने वाले आपने देखा होगा दोस्तों, कौन है मृगधर, किसने मृग को धारण किया दोस्तों, शिव जी, आप कपड़ा देखते होंगे नीचे के वस्त्र देखते हैं, मृग जैसा ही होता दोस्तों, मृग की छाल पे बैठते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, शिव हो जाएगा। पराग दोस्तों किसका पर्यावाची है, भारती, फूल, सुगंध, या फिर सुकुमार दोस्तों, किसका है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन किसका हो जाएगा, 100 का सुगंध का दोस्तों, पराग को सुगंध बोलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। एक चीज और बता दें कि अगर दोस्तों हमारी एक ई बुक भी है दोस्तों, अगर आप उसे परचेस करना चाहते हो दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। देखिए तीन ई बुक है, एक हिंदी साहित्य के इतिहास की है, एक हिंदी की है दोस्तों, और एक हिंदी भाषा के इतिहास की है दोस्तों। तो अगर देखिए आपको दिखाते दोस्तों, ये ई बुक है हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास दोस्तों, इसमें आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास मिलेगा। ठीक है, पुरस्कार मिल जाएंगे सारे, जन्म स्थान मिल जाएंगे, उनके उपनाम मिल जाएंगे, और दोस्तों बहुत कुछ हिंदी में प्रथम क्या है इस प्रकार, जैसे प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यास, इस प्रकार के लगभग 125 पॉइंट मिल जाएंगे, 125 प्लस चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों अगर परचेस करना चाहते हैं आप हमारे इस नंबर पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, 50 रुपये पेटीएम, गूगल पे, या फोन पे करके हमें स्क्रीनशॉट इसी नंबर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आपको पीडीएफ रूप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोस्तों। हमारी 3 ई बुक हैं, अगर आप इसको लेते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसकी भी परचेज कर सकते हैं, जिनका देखिए हम लिंक भी नीचे दे देंगे, वीडियो के बारे में सब कुछ बताएंगे, उसके बारे में आप देख सकते हैं क्या क्या मिलेगा दोस्तों। अब देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करिएगा,
थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बताइए कैसा लगा, तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे, तो हमारे साथ चैनल को जोड़ते रहिए दोस्तों को।